तो दोस्तों, हमें से बहुत शरारती है जो चाहते हैं कि हमारे असाइनमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, हो सके तो मैं अपना 80-90% हमें असाइनमेंट में मार्क्स मिले। लेकिन जो हम चाहते हैं कि भाई 20 नंबर का अगर असाइनमेंट है, 20 में से हमारे 17, 18, 19, 20 नंबर आ ही जाए, तो ये जो मार्क्स है हमें ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। हमें ऐसा कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा अपने असाइनमेंट में ताकि हमें वो मार्क्स मिल सके। तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा अपना कैसे क्या अपने असाइनमेंट को सेट करें, कैसे अपने असाइनमेंट को तैयार करें कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जो भी असाइनमेंट बनते हैं, मैं इसको लेके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2023-24 वाले असाइनमेंट है विद सॉल्यूशन फ्री में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से असाइनमेंट को लेकर अपना जो है कि उनको डाउनलोड करके और अच्छे से मॉडिफाई करके अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। और यहाँ मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि वो सारी बातें जिनको फॉलो करके आप अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने असाइनमेंट में मार्क्स अपना अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने असाइनमेंट के लिए A4 साइज शीट का इस्तेमाल करें, जो सिंपली अपना वाइट कलर की हो। और यह है कि अपना आगे पीछे लाइन चल जाएगी, लेकिन आपको कलरफुल डिज़ाइन वाली जो आंसर शीट होती है, प्रैक्टिकल शीट होती है, तो वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना प्लेन वाइट पेज आपको इस्तेमाल करने हैं। कई बार कलरफुल पेज के चक्कर में, उसमें डिज़ाइन वगैरह हो जाने के चक्कर में, जो आपका लिखा हुआ होता है वो कई बार अपना दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप अपना सिंपली अपना वाइट पेज इस्तेमाल कीजिए। बाकी आपके ऊपर चॉइस है कि अपना वन साइड लाइन ले या टू साइड लाइन ले, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। और यहाँ एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि उसमें जो क्वेश्चन है, आप कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिखिए और जो आंसर है आप आंसर ब्लू पेन से लिखिए। इससे क्या होगा, टीचर को समझने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। और एक और यहाँ पे हमारा में खास बात बनती है कि आपने जो असाइनमेंट बनाए हैं उन असाइनमेंट के सबसे आगे आपको अपना लगाना है डिटेल वाला पेज। जी हाँ, डिटेल वाला पेज बनाना है। तो यहाँ अपना खुद से भी अपना डिटेल वाला पेज बना सकते हैं। सिंपली आपको उसमें अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। और इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको अपना जो है कि अपना फ्रंट पेज आपको बनाना है, जिससे वेरीफाई हो सके, जिससे कन्फर्म हो सके कि ये असाइनमेंट आप ही ने बनाया है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, पेज नंबर। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको अपने जो भी असाइनमेंट आपने बनाया है सिक्वेंशली उसमें जो भी पेज नंबर बनता है आपको वो लिखना है। और जब अपना उसका PDF बनाए तो PDF भी आपको सिक्वेंशली आपको बनाना है। और जब PDF बनाए तो उसकी क्वालिटी का जरूर आप ध्यान रखिए, और साइज आपको रखना है 5 MB से कम। जी हाँ, तो आपको सेपरेटली एक एक करके अपना असाइनमेंट सबमिट करना है और हर PDF का जो साइज है 5 MB से आपको कम का रखना है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों को अपना फॉलो करते हैं तो ऐसे में आपके असाइनमेंट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाकी दोस्तों, मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं है कि आपके असाइनमेंट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए। और दोस्तों, अपने आगे की तैयारी करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं फ्री में। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग।